ट्रैवल करते समय आप सभी लोगों ने ब्रिज तो देखे ही होंगे, और हम बात करें प्रेजेंट टाइम की तो हमारे अर्थ पे काफ़ी सारे ब्रिज हैं। और ब्रिजेस बनाने के लिए ह्यूमन का एक ही क्लियर मोटिव था कि मूवेबल आइटम्स को नदी के एक साइड से दूसरी तरफ ले जाया जाए। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करती गई, वैसे ही ब्रिज बनाने के नए नए तरीके सामने आते गए। तो आज की वीडियो में हम 6 टाइप के ब्रिज देखेंगे। पर सबसे पहले, हेलो फ्रेंड्स, यूवी दिस साइड एंड स्टडी ग्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए स्टडी ग्लोज के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर एनी ऑफ योर क्वेरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें बेसिक्स की तो ब्रिज दो ही जगह यूज होते हैं, रिवर्स को क्रॉस करने के लिए और फ्लाईओवर्स बनाने के लिए। ब्रिज बनाते समय इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि उस ब्रिज से क्रॉस क्या करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग ब्रिज बनाने की शेप डिसाइड की जाती है। ब्रिज पर से जैसे ही कोई व्हीकल क्रॉस करता है तो दो मेजर टाइप्स ऑफ फोर्स एक्शन में आ जाती हैं। पहली है टेंशन फोर्स और दूसरी है कंप्रेशन फोर्स। टेंशन फोर्स ब्रिज को या ब्रिज के किसी कॉम्पोनेंट को एक्सटेंड करने की कोशिश करती है, और वहीं कंप्रेशन फोर्स ब्रिज को श्रिंक कराने की कोशिश करती है। एग्जाम्पल के तौर पे ये ब्रिज देखिए, जैसे ही इस ब्रिज के ऊपर से ये ट्रक क्रॉस करेगा, इसके पिलर्स श्रिंक करेंगे एंड दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन फोर्स। और वहीं अगर हम एक सस्पेंशन ब्रिज लें जो केबल्स की मदद से बनाया जाता है, तो अगर इस ब्रिज से एक ट्रक क्रॉस करेगा तो ये सारी रोप्स एक्सपेंड करेंगी एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेंशन फोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सस्पेंशन ब्रिज से। ये ब्रिज सेंट्रल टॉवर से कंप्लीट सपोर्ट लेते हैं। इन टॉवर्स को हॉरिजॉन्टली ड्रैपिंग केबल से कनेक्ट किया जाता है, और इन ड्रैपिंग केबल्स से वर्टिकल केबल्स ब्रिज के बेस को सपोर्ट करती हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ गोल्डन गेट ब्रिज। सो देर आर टू टॉवर्स विच आर कनेक्टेड थ्रू ड्रैपिंग केबल्स एंड द वर्टिकल केबल्स कनेक्ट ड्रैपिंग केबल टू द बेस ऑफ ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज केबल्स की मदद से बनाया जाता है, और इसीलिए ये अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में बनाने के लिए बेस्ट है। और सस्पेंशन ब्रिज के दोनों टॉवर्स टेंशन फोर्स और कंप्रेशन फोर्स को विदस्टैंड करने के लिए बनाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं केबल स्टेट ब्रिज, जो कि छोटा भाई है सस्पेंशन ब्रिज का। लेकिन केबल स्टेट ब्रिज में ड्रैपिंग केबल्स का यूज नहीं होता है, और केबल्स डायरेक्टली टॉवर्स को ब्रिज के बेस से कनेक्ट कर देती हैं। और ड्रैपिंग केबल ना होने की वजह से ये ब्रिज काफ़ी ज़्यादा लंबे और ऊंचे बनाए जाते हैं। इवन द मिलाव वियाडक्ट ब्रिज ऑफ फ्रांस इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ब्रिज ऑफ दिस वर्ल्ड। और ये टॉवर्स ही ब्रिज के सारे वेट को कैरी कर लेते हैं, इसीलिए हमें कुछ भी एडिशनल सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कुछ केबल स्टेट ब्रिज तो ऐसे हैं जिन्हें एक ही टॉवर से सपोर्ट मिलता है, और काफ़ी बार ऐसी जगहों पर ये ब्रिज बनाया जाता है जहाँ की इन्वायरमेंटल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो। इवन इस एग्जाम्पल में भी हम देख सकते हैं कि सिंगल टावर ही पूरे ब्रिज को सपोर्ट दे रहा है। लेकिन कुछ ब्रिज ऐसे हैं जिनमें सस्पेंशन ब्रिज और केबल स्टेट ब्रिज दोनों का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस ब्रुकलिन ब्रिज ऑफ न्यूयॉर्क, विच इज़ अ हाइब्रिड ऑफ केबल स्टेट ब्रिज एंड सस्पेंशन ब्रिज। और यही मेन रीज़न है कि क्यों ब्रुकलिन ब्रिज पुराना होने के बावजूद आज दिन तक सही सलामत है। और सस्पेंशन ब्रिज और केबल स्टेट ब्रिज दोनों की एक खासियत है कि ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। तो चलिए हम सभी लोग अब देखते हैं आर्क ब्रिज। और ये भी दो तरह के होते हैं, जिसमें आर्क या तो नीचे होगी या ऊपर। और आर्क ब्रिज की टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, और हमारे पास आज भी काफ़ी सारे स्टोन ब्रिज हैं जिनके बेस में आर्क बनाई जाती थी। इन ब्रिज में स्टोन का यूज़ होता था, और स्टोन एक नेचुरल रिसोर्स है जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वेदरिंग से गुजर चुका होता है, और इसीलिए स्टोन से बनाए गए ब्रिज काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। इवन दिस ब्रिज इन फ्रांस हैव मल्टीपल लेयर्स ऑफ आर्क विच हेल्प्स टू काउंटर द कंप्रेशन फोर्स विच इज़ जनरेटेड व्हेन अ व्हीकल पासिस थ्रू दिस ब्रिज। तो चलिए अब हम देखते हैं ट्रस ब्रिज। इस ब्रिज में काफ़ी सारे ट्राइंगल्स बनाए जाते हैं जो वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इवन द सिडनी हार्बर ब्रिज इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रस ब्रिज एंड आर्क ब्रिज। इवन इसमें कुछ वर्टिकल केबल्स का यूज़ किया गया है आर्क को बेस से कनेक्ट करने के लिए, और आर्क में काफ़ी सारे ट्राइंगल्स बनाए गए हैं जो वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ट्रस ब्रिज का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है
बेले ब्रिज जो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया की मिलिट्री यूज़ करती है। इसको बनाने का प्रिंसिपल ट्रस ब्रिज की तरह ही है, लेकिन इसे बिना मशीनरी के बनाया जा सकता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्रिज है कैंटिलीवर ब्रिज, और इसे बनाने के लिए ब्रिज के एक एंड को फिक्स कर दिया जाता है और ग्राउंड से मिनिमम सपोर्ट देकर ब्रिज कंप्लीट कर दिया जाता है। कैंटिलीवर ब्रिज हैवी वेट्स को कैरी करने के लिए बनाया जाता है और इसीलिए स्टील पर पहले से ही प्रेशर डाल के कॉन्क्रीट भरा जाता है, और कॉन्क्रीट के सेट हो जाने के बाद स्टील की रॉड से प्रेशर रिमूव कर दिया जाता है। एंड दिस कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू मेक कैंटिलीवर ब्रिज विच कैन विदस्टैंड हाई टेंशन और कंप्रेशन। तो नेक्स्ट है बीम ब्रिज, जिसके बेस को सपोर्ट करने के लिए बीम्स का यूज़ किया जाता है, और इसमें कंप्रेशन और टेंशन फोर्सेस को बीम्स ही विदस्टैंड करती हैं, और ये फ्लड प्रोन एरिया के लिए बेस्ट है। इवन म्यांमार में काफ़ी सारे ब्रिजेस हैं जिसमें वुडन बीम्स का यूज़ किया जाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये फ्लड्स से बच जाते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और स्टडी ग्लोव चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज़ उमित वर्मा साइनिंग ऑफ।